लेते हैं कि यहाँ बहुत तादाद के अंदर पटना से चलकर बिहार से चलकर यहाँ जो आंगनबाड़ी और उत्तर प्रदेश उत्तराखंड मध्य प्रदेश समस्त राज्यों से यहाँ चलकर यहाँ आए हैं और अपनी मांग को लेकर पूरे देश के अंदर पूरे भारतवर्ष के अंदर हाहाकार मच रहा है। आज समर्थन देने के लिए सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता भानु प्रताप जी हमारे बीच में है और राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी चला रहे हैं, क्योंकि सभी पार्टियों का सभी नेताओं का एक ही वायदा होता है जब वो वोट मांगने जाते हैं, कहते हैं हम तुम्हारा उद्धार करेंगे, हम तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाएंगे। लेकिन आज हमारे बीच में भानु प्रताप जी आई, हम इनसे जानकारी लेते हैं कि वो इन महिलाओं का किस तरीके से सहयोग करेंगे और किस तरीके से इनकी बातों को आगे बढ़ाएंगे। भानु प्रताप जी, आपका SM न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये पूरे प्रदेश के अंदर आंगनवाड़ी जो महिलाएं संघर्ष कर रही हैं, उससे पहले दिल्ली के अंदर आंगनवाड़ियों ने अपना धरना प्रदर्शन करा, उनकी मांगों को मान लिया गया, लेकिन ये जो पूरे उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, उत्तराखंड है और बिहार है, इनकी बातों क्यों नहीं माना जा रहा है? देखिए, मांग जो मान्य है बेसिकली ये केंद्र सरकार की योजना है, इसमें सबसे बड़ा योगदान जो है वो केंद्र सरकार का है, लेकिन वो मांग क्यों नहीं मानी? तो बहुत सीधा है कि ये सिर्फ झूठे नारे देने वाली सरकार है, ये सरकार काम करने वाली सरकार नहीं है, अपने वादों पे खरी उतरने वाली सरकार नहीं है। आप शुरू से देख लिए, 15 लाख रुपए लोगों के खाते में पहुंचाने की बात कही, पहुंचाया क्या? इस देश में काला धन जो है बाहर से लाने की बात कही, वो लाए क्या? काला धन खत्म करने की बात कही, किया क्या? आतंकवाद को खत्म करने की बात कही, हुआ क्या? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया, पढ़ी क्या बेटियां? इन बेटियों को ही सड़क पर लाके खड़ा कर दिया इन्होंने, ये दर दर भटक रही हैं, सड़क पर खड़ी हैं। शर्म नहीं आती सरकार को कि उसकी बहनें, उसकी बेटियां, उसकी माएं यहां पे जो रोड पर पड़ी हुई हैं और कोई भी व्यक्ति सुनने को तैयार नहीं है। तो जहां तक आप कह रहे हैं कि क्यों नहीं मांग रही, मानेगी कहां से? बेरहम और बेशरम गूंगी और बहरी सरकार है, और इस सरकार को जगाने के लिए, इस सरकार को उठाने के लिए और अपनी मांगे मनवाने के लिए मैंने कहा है सभी बहनों से कि हम पूरी ताकत से, राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी पूरी ताकत से इनके साथ होगी, कंधे से कंधा मिलाकर आखिरी पल तक, जब तक इन्हें 18,000 रुपए नहीं मिल जाते, इनकी लड़ाई लड़ेगी और इस संगठन को मजबूत करने के लिए जितना भी संभव हो सकेगा हम काम करेंगे। हमें सड़क पर उतरना पड़ेगा, वो भी करेंगे, और उसके अलावा जितने भी लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक कार्यक्रम हैं, जो भी हो सकते हैं, हम वो करेंगे। इस संगठन को मजबूत बनाने के लिए कितना भी समय हमें देना पड़ेगा, हम इस संगठन को देंगे।